what is open access and how does open access work in electricity? All right. So USA में एक peculiar चैलेंज था और वो peculiar चैलेंज था रिसेंटली, मतलब 1990s में एक चैलेंज आ रहा था और वो चैलेंज ये था कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज वर ओनिंग द ट्रांसमिशन लाइन ऑल्सो. सो जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है या डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है यूएसए में, दे वर ओनर्स ऑफ ट्रांसमिशन नेटवर्क्स ऑल्सो. सो अगर देर इज अ जनरेटिंग एंटिटी एंड डिस्कॉम ओन द ट्रांसमिशन नेटवर्क टू इवैक्यूएट पावर फ्रॉम द जनरेटिंग कंपनी एंड देन इट टू डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क. ऑल राइट. एंड देर वॉज अ डिस्क्रिमिनेशन. डिस्क्रिमिनेशन इज ऑब्वियसली नाउ इट इज द मोनोपोली. सो बीइंग अ मोनोपोली एंड बीइंग अ नेचुरल मोनोपोली, अगर कोई और जनरेटिंग कंपनी, अगर डिस्कॉम की पार्टनर जनरेटिंग कंपनी और फ्रेंड जनरेटिंग कंपनी इज ट्रांसपोर्टिंग इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रिसिटी, इन दैट केस दे मे एंड दे हैव चार्ज्ड लिटिल लेसर ट्रांसमिशन चार्जेस. इन केस ऑफ अदर जनरेटिंग कंपनी विच आर नॉट टू फ्रेंडली, उनको वो हायर चार्ज करते थे. दिस मैटर वॉज ब्रॉट बिफोर द फेडरल एनर्जी रेगुलेटरी कमीशन, FERC. जिस तरह से वी हैव इन इंडिया सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, सिमिलरली वी हैव अ फेडरल एनर्जी रेगुलेटरी कमीशन इन USA. सो दिस मैटर वॉज ब्रॉट बिफोर द फेडरल एनर्जी रेगुलेटरी कमीशन कि सर द चैलेंज इज दैट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी इज अ नेचुरल मोनोपोली एंड इट ऑल्सो हैड अ ट्रांसमिशन नेटवर्क. इट वॉज द ओनर ऑफ द ट्रांसमिशन नेटवर्क. इट वॉज वन कंपनी एक्चुअली. सो आफ्टर लॉट ऑफ डिस्कशंस इन द FERC, इट वॉज डिसाइडेड, दो तीन चीजें डिसाइड करी गई. फर्स्ट थिंग ये डिसाइड करा गया टू मिटिगेट दिस चैलेंज ऑफ नेचुरल मोनोपोली, नंबर वन सेपरेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन. इंडिया में दूसरा हुआ था, इंडिया में क्या हुआ था, जो जेनरेटिंग कंपनीज है NHPC, NTPC एंड नाइविली एंड न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन, बिफोर 1992 दे वर द ओनर. 1992 में जितने भी ट्रांसमिशन नेटवर्क है NHPC, NTPC, नाइविली, NLC एंड न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन, दे वर ट्रांसफर फ्रॉम इन 1992-93 दीज ट्रांसमिशन नेटवर्क ऑफ अ जनरेटिंग कंपनी इन इंडिया वर ट्रांसफर टू PGCIL. USA में उल्टा चल रहा है, रिवर्स. So distribution companies were owner of transmission networks and because they were owner of the transmission network, so jo friendly generating company hai ya in the ownership of discoms hai, unke liye transmission charges lesser the hote the aur baki jo generating companies hai unke liye charging jo transmission charges the wo higher hote the. This was brought before the energy regulator in USA, Federal Energy Regulatory Commission. Usne ek जो आफ्टर लॉट ऑफ डिस्कशन एक सॉल्यूशन निकाला और सॉल्यूशन ये था कि सेपरेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन, नंबर वन. सो फर्स्ट स्टेप इट सेड कि देयर इट शुड बी सेपरेटेड. सेपरेशन करके सेकेंड स्टेप उसने ये कहा कि जो ट्रांसमिशन नेटवर्क है और जो ट्रांसमिशन एंटिटी, अब क्या हुआ कंपल्शन, इट वॉज कंपल्सरी कि भाई दो कंपनी बनानी है, ट्रांसमिशन की अलग कंपनी बनानी है और डिस्ट्रीब्यूशन की अलग कंपनी बनानी है. सेकेंड पॉइंट ये था जो ट्रांसमिशन की कंपनी होगी दैट विल बी द शेयर्ड असेट, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी शेयर्ड असेट. सो एवरीवन एंड एनीवन हु वांट्स टू ट्रांसपोर्ट इट्स इलेक्ट्रॉन्स, इट कैन यूज दैट ट्रांसमिशन नेटवर्क शेयर एंड देन ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइडेड इट पेज टॉल. टॉल मतलब ट्रांसमिशन चार्जेस, और वो ट्रांसमिशन चार्जेस भी वो खुद डिटरमाइन नहीं करेंगे. Transmission charges will be also be determined by the regulators. So what it became? It became non-discriminatory. So for example, एक डिस्कॉम के डिस्कॉम के एरिया में there's a you know hub very big any entity which wants open access power, एक बहुत बड़ा charge point operator का network है, 100 buses charge हो रही हैं and open access से ट्रांसमिशन डिस्कॉम के ट्रांसमिशन नेटवर्क को यूज करके जो अलग कंपनी बन गई है, इफ दे वॉन्ट टू ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स दे विल नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड.
whatever transmission charges are being paid by distribution company, same transmission charges will be paid by any open access consumer, any industry, any commercial establishment which wants electrons from any other state or any other place. This order is called 1996 order of FERC. FERC matlab Federal Energy Regulatory Commission. Uska order ka naam hai, number hai 888/889. So this order was issued in terms of a petition filed before FERC. 1999 mein the same order was incorporated as a regulation. It was codified. And that order is called, वहां पे order बोलते हैं, FERC order 2000. FERC order में 2000 बोल रहा हूं, पर ये year 2000 में नहीं आया था, ये year 1999 में आया था, वो order का number है actually. So, FERC order 2000 provided, it codified non-discriminatory open access in USA. It created an agency which is called Regional Transmission Organization and Independent System Operator. दो agencies उसने create करी. जो Independent System Operator है, वो India में आके बनी STU, State Transmission Utility, और जो Regional Transmission Organization USA में, वो India में आके बनी CTU, Central Transmission Utility. So thereafter, from 1999 onwards, it was declared in USA that transmission systems are shared asset and everyone and anyone who wants to use shared asset can use it. जैसे road है वो shared asset है. So anyone and everyone can use roads. Similarly, transmission network, anyone and everyone can use. अब जो question था नम्रता का, अब 1999 तक यहाँ पे USA में ये हो गया. And obviously, अब आप उसको compare करो India में, 2003 में हमने उसको implement कर दिया. All right. यूएसए में जो मैसिव रोड कंस्ट्रक्शन हुआ था वो 1930s-40s में हुआ था. इंडिया में जो मैसिव रोड कंस्ट्रक्शन है वो 2020s में हुआ है. लेकिन पावर के सेक्टर में जो रिफॉर्म हुए हैं 1996 में यूएसए में हुए और 6 साल बाद 2003 में इंडिया में हो गए. सो इन पावर सेक्टर वी हैव बीन फार अहेड ऑफ लॉट ऑफ कंट्रीज एक्चुअली इन द वर्ल्ड एंड वी हैव बीन यू नो वर्ल्ड में बेस्ट स्टैंडर्ड्स हैं हमारे. ओके With this, the question was कि सर ओपन एक्सेस क्या है. ओपन एक्सेस को समझने के लिए आप रिवर्स कर दो. लेट अस से व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लोज्ड एक्सेस. सो क्लोज्ड एक्सेस का ये मतलब होगा, सो फॉर एग्जांपल मनीष जी एंड आई बोथ हैव एयरटेल एंड सौरभ जी एंड अभिषेक जी दे हैव वोडाफोन एंड राजेंद्र जी एंड विकास जी दे हैव MTNL BSNL या MTNL की लाइन है उनके पास. Now the closed access का mean, closed access means that जिनके पास Airtel है वो आपस में बात कर सकते हैं पर बाकी लोगों से बात नहीं कर सकते. So मैं I can speak to Mr. Manish जी, Manish जी can speak to me, but I cannot speak to Saurabh जी because I don't have a Vodafone connection. I can also not speak to Rajendra जी because I don't have MTNL or BSNL connection. This is closed access. आप उसी कंपनी का अगर ले रहे हैं, उसी कंपनी के नेटवर्क में है, आपका एक्सेस उसी कंपनी. सो इफ आई वांटेड टू स्पीक टू सौरभ जी व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू टेक अनदर वोडाफोन कनेक्शन. एक मोबाइल मेरे को एयरटेल का लेना पड़ेगा, एक वोडाफोन का लेना पड़ेगा. दूसरा तीसरा अगर मुझे MTNL में भी बात करनी तो मेरे को एक MTNL का मोबाइल फोन लेना पड़ेगा राजेंद्र जी से बात करने के लिए. सो दिस इज क्लोज्ड एक्सेस. ओपन एक्सेस का मतलब यह है किसी के पास कोई भी कंपनी का फोन हो वो सबसे इक्वली बात कर सकता है. तो इफ आई वॉन्ट टू टॉक टू राजेंद्र जी ही कैन ऑल्सो स्पीक टू मी, आई कैन ऑल्सो स्पीक टू हिम, आई कैन स्पीक टू सौरभ जी, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट कनेक्शन आई हैव ऑफ मोबाइल. इन टेलीकॉम सेक्टर इट इज कॉल्ड इंटरकनेक्शंस. उस इंटरकनेक्शन के चार्जेस बहुत मिनिमलिस्टिक होते हैं, बट एवरी इट इज ओपन फॉर एवरीवन. सिमिलरली इन केस ऑफ पावर सेक्टर और एनर्जी सेक्टर, ओपन एक्सेस कैन ऑल्सो इन अ डिफरेंट वे डिफाइन. फॉर एग्जाम्पल दिल्ली से आगरा तक आपके लिए ताज एक्सप्रेस वे है. सिमिलरली वॉट आई अंडरस्टैंड अहमदाबाद से वडोदरा तक सबसे फर्स्ट इंडिया का, इफ आई एम करेक्ट, फर्स्ट एक्सप्रेस वे है. सो एनी बडी एंड एनी वन हु वॉन्ट्स टू ट्रेवल फ्रॉम दिल्ली टू आगरा, ही कैन ट्रेवल फ्रॉम ताज एक्सप्रेस वे प्रोवाइडेड ही पे टॉल पे स्टॉल. इट इज ओपन फॉर एवरी वन. There is no discrimination.
only you have to pay toll, nothing more than that. Similarly, if anyone and everyone wants to transfer electrons from one point A to point B in a transmission line, anyone can transfer electrons. आप electrons को समझिए जैसे car है और highways को imagine करिए जैसे wires है. So किसी को भी electron transfer करने हैं अपने, they can transfer electron provided they pay toll. और यहां पे toll को हम बोलते हैं transmission charges. And this is open access. All right. Next question. जब इलेक्ट्रिसिटी एक्ट बना था तब इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में कितने मार्केट्स क्रिएट करे गए थे? हाउ मेनी मार्केट्स वर क्रिएटेड इन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट? आंसर इज टू मार्केट्स वर क्रिएटेड. फर्स्ट मार्केट वॉज होलसेल इलेक्ट्रिसिटी मार्केट, सेकेंड मार्केट वॉज रिटेल इलेक्ट्रिसिटी मार्केट. द क्वेश्चन इज what is the difference or what is the dividing line between these markets? The answer is 1 megawatt is the dividing line which was decided in 2003. So 2003 mein ye decide hua 1 megawatt se jyada ka koi bhi transaction karta hai, buying, selling or anything else, trading, he is working in wholesale electricity market. 1 megawatt se less ka koi bhi buying, selling or trading karta hai, anything and everything, he is working in retail electricity market. होलसेल इलेक्ट्रिसिटी मार्केट में ओपन एक्सेस इमीडिएटली फ्रॉम 2003 ऑनवर्ड वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय पासिंग ऑफ दिस एक्ट बाय सिग्नेचर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ओपन एक्सेस वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन होलसेल मार्केट इमीजिएटली, नंबर वन. इन रिटेल मार्केट इट वॉज डिसाइडेड दैट द रिटेल मार्केट ओपन एक्सेस विल बी इंट्रोड्यूस्ड इन फेज्ड मैनर एंड SERC स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर open access in retail market. Retail supply licenses are one part of retail open access market. Number two, if you see, aap net metering ki baat karenge ya gross metering ki baat karenge ya net billing ki baat karenge, all these are examples of retail open access in the electricity market. There is a new experiment also going on. उस न्यू एक्सपेरिमेंट का नाम है P2P, पीयर टू पीयर ट्रेडिंग. इसका पायलट प्रोजेक्ट सबसे पहले करा गया UPPCL में, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में, एंड दूसरा पायलट प्रोजेक्ट करा गया टाटा पावर जो नॉर्थ दिल्ली में जो पावर प्रोवाइड करती है इलेक्ट्रिसिटी, उसमें करा गया. दोनों में एक्सपेरिमेंट करा गया. पीयर टू पीयर ट्रेडिंग is done in a platform which is called blockchain platform. Blockchain platform mein, for example, I have a generating set, solar plant hamare ghar mein laga hua hai, aur meri behen Janakipuri mein rehti hai. If I have access solar power, I can give that solar power to my sister who is living in Janakipuri, or my friend living in certain other place in the same DISCOM network. This is peer to peer trading. So blockchain technology use करके अब peer to peer trading में experiment हो रहा है. Within few years or maybe some time you will have that technology available where you can also do trading of electricity. If you have, for example, आप छुट्टी पे जा रहे हैं एक महीने के लिए और आपका solar panel चल रहा है, तो आप अपने पड़ोसी को भी बेच सकते हैं सस्ती power, या किसी और को भी बेच सकते हैं सस्ती power using this technology. So these are some of the examples of retail open access in electricity sector. Wholesale 2003 से हो गया है. Retail open access is a work in progress which is happening day to day.